तो आयुषी आप कहाँ जा रहे हो? Hi everyone, welcome back to another vlog. और ये vlog बहुत interesting होने वाले हैं. हमने से पढ़ लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो yes, अब हम बस जाने वाले हैं क्रूज में. ठीक है, और हमारा 18 घंटे का क्रूज है और हम जा रहे हैं स्वीडन. मेरे साथ अभी कौन कौन है, मैं मिलाती हूँ आपको सबसे. तो अब चलते हैं जल्दी से, अभी हम चेक इन करने वाले हैं क्रूज में. एंड जैसा जैसा भी होता है मैं सब बता दे दूँगी, बट लेट्स गो यार. मेरे साथ है रीमा भाभी एंड अमित से हाई. हेलो. एंड नरेन जी जो वहाँ पे वीडियो लेने में बिजी हैं एज यूजुअल. तो यस, ये है हमारा सामने क्रूज जिसमें हम 18 घंटे बिताने वाले हैं. और अब चलते हैं हम अंदर. हमारा क्रिसमस है वो क्रूज में होने वाला है. 5 बजे का हमारा क्रूज है और हम सुबह पहुँचने वाले हैं 10 बजे. तो बस चलते हैं, लाइन लगी हुई है लंबी अंदर. चल के अपना बोर्डिंग पास निकालते हैं और फिर क्रूज के अंदर चलेंगे. पता नहीं कहाँ गए. ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, मैं वही देख रही थी. हमारे 2 मेंबर पता नहीं कहाँ अंदर आते ही गायब हो गए थे, फिर हमें मिल गए. यहाँ पे बोर्डिंग पास भी खा रहे हैं. हो गया, निकल गया. नहीं तो ये वहाँ इतना काफी की है हमारे. ये तो रूम की है. अच्छा हाँ, ये पास भी होगा. बोर्डिंग पास अलग होगा क्या? बोर्डिंग पास नहीं है, वो तो तुम्हारा ही होगा ना, वो जो तुमने निकाला था. नहीं वो नहीं है. वो नहीं है ना, इससे हो जाएगा कि एक बार हम इन था पिछली बार यही तो स्कैन करके. यही होगा वैसे तो. ये देखो इससे स्कैन करके. हां इसमें है ना, रेडी टू चेक इन. उसे तो हमारा छोटा सा है जिसमें हम जाते हैं गाइस, वो हो जाएगा चेक इन. लाइन लंबी है, मैं अपनी की खुद ही रख रही हूँ. आयुषी की नहीं खोई है पिछले बार. चलो तो अगर मेरी की होगी तो मैं पहले आपका की देखूंगा, तभी आपको अंदर आओ. आयुषी खोई गई. कैबिन देखो अपने. ओके, कैसा लगा? वही वाला आपका ही वाला है ना ये? अरे ये वही है. अच्छा आप लोग किसी चेंज हो गए हो? नहीं लास्ट टाइम हम इसी में गए थे. यहाँ पे पीछे ट्री होगा, ट्री तो कहीं रहा नहीं वहाँ पे, लेकिन हम इसी में गए थे. ठीक है, तो अभी हम बस अंदर आ गए हैं. और यार ये हमेशा बहुत हैपनिंग होता है, बड़ा सा क्रूज है, 18 घंटे हम पूरा घूमेंगे. ये लोगों ने लाल जैकेट पहन लिया और हमारा पूरा अटेंशन ले रहे हैं. बट एनीवेज सबसे पहले हम जा रहे हैं, हमारा सामान रखेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. शिट, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर मत चढ़ना. सुनो अमित, लिफ्ट वहाँ होगी, यहाँ है लिफ्ट. हाँ लिफ्ट पे है भाई साहब. मुझे लिफ्ट भी याद करते ही वो रखा है एकदम. मैं लास्ट ईयर भी स्वीडी नहीं आई थी.
चलो ये ऐसे भूल भुलैया जैसी जगह में हम हमारा रूम ढूंढ रहे हैं। 2026 उसको ऐसी ग्रीन होता है, ग्रीन नीचे की तरफ करो। हाँ ये ऐसे देखा इतनी खराब यार। ये वाला अलग है, मतलब वो अलग था। ये लो रूम में यहाँ पे ये ड्रायर भी है यहाँ पे जो हमें यूज नहीं होगा। थैंक यू। तैयार वेयर उनके लिए अच्छा है। वॉशरूम वॉशरूम ये हमारा पिंकी वॉशरूम, लेकिन ये हो गया हमारे लिए चीज अच्छी। कार किसका है? चाय मेरा, मैं भी दादा को ले रखी। तो अब बस हमारा हो गया, हमने जैकेट वैकेट उतार दिया और हमने मतलब सामान में सेटल कर लिया और अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। क्या क्या है? हाँ ये लोग पहले भी स्वीडन गए बट इनका क्रूज अलग था तो अब कुछ न्यू होगा इनके लिए तो देखते। थोड़ा स्पेस है इस वाले रूम में, उसमें नहीं था इतना स्पेस। चलो कुछ अच्छे पतला मिरर था इसमें तो अच्छा है, बड़ा मिरर। ओके ठीक है, तो इस बार हमारा सीरियल लाइन क्लोज है तो चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे वाले बैंक को भी सो सकता है। कहाँ कुकु आप कौन बंदा? नरेंद्र जी सोएंगे यहाँ पे, वो सोएगा जो बोल रहा है ना। प्लीज नहीं सोएंगे। चलो चलो लेट्स गो। वो अभी यार आने का रास्ता कौन सा है? यहाँ कुछ नहीं है, ये याद है। तो नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जाना, यहाँ बंद है सब कुछ। सामने ही लिफ्ट है हमारे, उसके ऊपर ही चलेंगे। चलो चल के देखते हैं। देखो ना वहाँ ही ये वो सेम फ्लोर है जहाँ से हमने एंट्री ली थी और अभी क्रूज चालू भी नहीं हुआ है क्योंकि 5 बजे का टाइम है तो हम थोड़ा पहले आ गए। शॉप्स वगैरह ओपन भी नहीं है बट ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो उसके लिए है ये लाइन। हाँ इनका तो टाइम भी है, हमारा तो क्या ही है। भाभी पता नहीं खाने के लिए ये लोग कहाँ गए लाइन में? क्या बोल रहे हो? हमारे हेलसिंकी ओ किसने बोला था जैकेट उतारने के लिए? तूने तो मैं हुडी पहन के आई। बोलो बोलो अब तो। मैं तो हुडी पहन के आई, तूने तो फ्रोजन है। हां ये पूरा फ्रोजन है। वो जा रहा है देखो सोमलीना। हां वो सोमलीना जाना तो नहीं है गाइस, अगर हम वहाँ नहीं जा रहे होते तो यही जा रहे होते। हम लोग यहाँ बैठे होते छोटी वाली में, हमारे पास दो ही जगह है। हम अभी हम लोग पीछे जो ये पूरा है फ्रोजन है ठीक है, और वो जो छोटी वाली फेरी है वो सोमलीना जा रही है जो कि अपना मुझे पूरा वो हो गया। मैंने यार मेरी मम्मी ने बोला था सिक्का डाल देना, मैं फ्रोजन वाली में मैं क्या सिक्का डालूँ, तो ऊपर बैठे चिपक जाता है सिक्का भी ऊपर चिपक गया। तो ठीक है अभी मैंने पता नहीं शॉप में बस जैकेट उतार दी थी कि मुझे अंदर तो रहना है, अब हम बाहर आ गए। हम बाहर वाला व्यू है ना ये।
ये वही है ना। तो इसलिए अभी मजे ले लो यहां पे। नहीं हम तो आएंगे। ये जो मून उसकी फोटो आइकन वाले मून को ओ भाई साहब क्या तगड़ा फ्रीज है यार। यार दिन में आने का तो अलग ही मजा आता है इसमें। भाभी दिन नहीं होता हमारे यहाँ। कुकु मून आ रहा है देखो। सामने वाइकिंग है ना। चुप गया लेकिन अब आप आए तो जब तक। देखो मैं लास्ट टाइम इसी वाइकिंग लाइन में थी। आपने इतना ही डिस्टेंस यहाँ से सीधा क्रॉस करके नेक्स्ट ईयर में इसमें आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे यार ये बहुत ही अच्छा मतलब देखो ना पूरा फ्रोजन अच्छा लग रहा है यार। घर में एकदम कितना बंदा कैसे रहता हो वो पैदल ही आ जाते होंगे वो तो अब वाले घर की बात हो रही है। अभी हमारी फेरी चालू नहीं हुई है हम बाहर का एक्सप्लोर कर रहे हैं। पता नहीं कैसे मैं ठंड बियर कर रही हूँ माइनस वन टेम्परेचर पर ठीक है। अभी जैकेट नहीं पहनी है तो नहीं पहनी है। हील्स भी डाल ली थी मैंने। कहाँ बैठना है यार ये तो बहुत ही सही प्लेस है। अजीब नहीं अच्छा बोलते हैं। अब आपको जानबूझ के पूरी सब्जी खिला रही हूँ पता चला। ये यहाँ से वहाँ है रास्ते बाहर जाने का। ये अभी ऐसे बिफोर ले लो बिफोर आपको चल देंगे। नहीं नहीं आफ्टर बिफोर आफ्टर नहीं बिफोर वाले पहले वाली आफ्टर वाली होगी। आप अकेले डांस कर रही होगी यहाँ पर सही बात है। रीमा भाभी को हमारी फिनिश आती है तो जो भी फिनिश वो बोलेगा वो बताएंगे। चाहे मैं गलत बता दूं इनको क्या फर्क पड़ रहा है। इनको गलत बताओ या सच बताओ इनके लिए मुझे बहुत चले चले चलो देखना किसी के पर्सनल सीजन अभी तक हमारा क्रूज स्टार्ट नहीं हुआ बट ठीक है स्टार्ट होने वाला है। उधर ही को जा रहा है क्योंकि शिफ्ट तो नहीं करना है जब मार के किसी को पता नहीं चलेगा। हेलसिंकी हम जल्दी मिलेंगे।
परसों ही 26 को मिलेंगे। मेरा पति ये सोचता है कैमरे लगे उनके बट ये एकदम फ्रोज नहीं है बट ये अलग करता हुआ चल रहा है ना एकदम ऐसे फ्रोजन है और फिर ऐसे उसको देख रही है शीशा साफ कर रहे क्या होता है चलो वापस अंदर चल गैब्रिला क्या क्योंकि हमें उनका पता है अब क्योंकि ये चल गया है तो सारी शॉप्स खुल गई हैं तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है शॉप्स एक्सप्लोर करना तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या क्या खरीदना है कुछ अच्छा मिलेगा तो ले लेंगे ऑनलाइन पे नहीं लिखा है इसमें सीरिया लिखा है ये कैप्स में थोड़ा बहुत नेता नेता नहीं मीन्स होता हेयर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्टफ भी है यहाँ अंदर एक्सप्लोर करते करते हम वापस से बाहर आ गए हैं और हेलसिंग दूर चला गया एंड पीछे स्वीडन का रास्ता तो एकदम सीधा सीधा है बिल्कुल अच्छा कुछ है नहीं स्ट्रेट जाता है अरे इतनी दूर नहीं है सोमलीना बहुत तेज चल रही है हाँ कब का सोमलीना आधा घंटे भी नहीं लगा और यहाँ पे ड्यूटी फ्री है क्योंकि हम इंटरनेशनल वाटर्स में हैं तो चलते हैं ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करते हैं कुछ कुछ लेते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ज़्यादा लेती नहीं हूँ फिर लेकिन अभी चलते हैं देखते हैं चॉकलेट्स और यहाँ पे बहुत सारी लिकर है पता नहीं अलग अलग फ्लेवर होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट वोडका एंड ऑल और यहाँ पे डिफरेंस पता क्या होता है कि जब आप उससे जा रहे होते हो ना फ्लाइट से तो ड्यूटी फ्री से आप कुछ लिमिटेड लीटर्स ही ले सकते हो लाइक एक दो लीटर ही ले सकते हो लेकिन यहाँ से हाँ जैसे इंडिया आप आते हो तो दो लीटर ही लेकर लेके आ सकते हो लेकिन यहाँ पे जितना लेके जाना है लेके जा सकते हो लोग अपना पूरा बैग लेके आते हो फिर बैग भर के लेके जाते हैं तो ठीक है हम देखते हैं हमें क्या लेना है और इन दोनों कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं खाए आपने बटर फज तो नहीं खाऊंगी चलो ओरियो ढूंढने चलो 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 मुझे कुछ तो मीठा चाहिए मीठा तो वैसे यार लिंट की चॉकलेट अच्छी होती है लेना इनमें से कुछ ये ट्राई किया हमने मैं पर ना मैं अभी कुछ ले नहीं रही हूँ ज्यादा मैं आते मैं भी अभी खाने के ले रही हूँ हाँ क्योंकि हम आने में ही लेंगे जो हमें बॉन्टी चाहिए आपको इतना खा लिया आपने बॉन्टी तुम लोगों ने यार ये क्या है गोल्ड बैग अच्छा ये तो वो है शायद ना लेकिन वो वाली चॉकलेट नहीं है जो हम खाते ये फेयर रोशी अच्छी लगती है यार सस्ती है पता है आपको ये वहाँ पे तो ये 15 यूरो का मिलता है हाँ यहाँ पे आयुषी क्रिसमस गिफ्ट दिया आयुषी ने मुझे ले लो यार भाभी बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे सस्ता है लेना एक ही ले लेते हैं ना एक तो उठा लेते खा लेंगे यार
इतना खा पाएंगे? ये देखो ज्यादा तो आते में लेंगे ठीक है, अगर ये खाने के लिए चाहिए तो एक ले सकते हैं। देखो लोग वाटर बॉटल उठा के लेके जाए, ये ले लेते हैं। तो हमने लिया है ये कुछ अच्छा हो तो आज तो तुम गए मेरे हमको ऐसे चलना है ना। हाँ मैं चल गई। चलो भाई आ जाओ इसमें। ओ मेरी चांस है क्या? Yes, मेरे से ना गाइस पंगा भी मत ले लेना। हाँ जी आपकी है। मेरे से ना पंगा भी मत ले लेना गाइस। ठीक है नहीं ले रहे हम। चलो आपकी चांस ही नहीं देंगे हम। चल उठा ले। हाँ मैंने देख लिया था ये। धन्यवाद। So now we are ready for party. तो अब हम रेडी हो गए और अब हम जा रहे हैं। रेडी है और हमने लड़कों को निकाल दिया था एक घंटे पहले ही बाहर। लिटरली हमें एक घंटा लगा है रेडी होने में, लेकिन हम फिर भी जल्दी हो गए रेडी 5 मिनट्स पहले। तो अब चल के देखते हैं कि वो लोग कहाँ पर है। एंड द थिंग इज कि क्रूज में यहाँ नीचे तो नेटवर्क नहीं होता है, तो कोई कॉल नहीं हो सकता, तो जाके खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। ठीक है to
अभी बज रहे हैं 8:30 एंड स्वीडन के 7:30 और हम स्वीडिश टाइम पे लाइक हम 10 बजे का टाइम है हमारा, तो 18 घंटे का बेसिकली हमारा क्रूज़ है और बस अब हमारे 18 घंटे ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद हम स्वीडन जाएंगे। अभी तक हमने कुछ भी प्लान नहीं किया कि घूमना कहाँ पे, लेकिन ठीक है लास्ट ईयर भी स्वीडन ही गए थे तो घूम लेंगे एंड जगह तो पता ही है तो कहीं ना कहीं तो घूम लेंगे। लेकिन हाँ सुबह हो गई है, कल रात में हमने काफ़ी सारा डांस किया, बहुत सारे शोज देखे, तो काफ़ी कुछ किया। बस अब उठ गए सुबह सुबह और चल के देखते हैं। एक्चुअली यहाँ नीचे नेटवर्क नहीं है बिल्कुल ही, और भाई ये शिप इतना हिल रहा था ना रात में, ऐसे 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 हिला है पूरा, ठीक है। तो सोते सोते ही पता चल रहा है कि बहुत ऐसे मोमेंट था, बट ठीक है नाइट सूट में हूँ मैं। अभी चलते हैं, मैं सेकंड फ्लोर में जा रही हूँ, मेरा जाने का रीज़न है सारी सेवन्थ में जा रही हूँ, मेरे जाने का रीज़न है कि वाईफाई मिल जाए, घर वालों से बात करते हैं। दिस इज़ मी, टायर्ड मी, ट्रिप चालू होने से पहले ही टायर्ड हो जाते हैं, बट ठीक है लेट्स गो। परफेक्ट मॉर्निंग व्यू, मैं इसे नाइट सूट में ज़्यादा देर बाहर तो नहीं रह पाऊँगी, लेकिन आज वह जो पूरा आइस है, पानी यहाँ पे फ्रोजन नहीं है, लाइक पानी पानी है, लिक्विड स्टेट में, बहुत ही प्यारा रखा है यहाँ पे। ऐसे सनराइज होता नहीं है यहाँ पे ऐसे बेसिकली, कुछ तो रोशनी दिख रहा है पीछे। अच्छा अंदर चलते हैं, ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते। लग रही है लेकिन बार बार वापस बाहर आ जा रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि इतने समय बाद इतनी ज़्यादा लाइट देख रहे हैं, वरना इतना उजाला तो ये होता ही नहीं, वो तो पिंडर में तो होता नहीं, यहाँ में भी होता, वो शायद वैसे सी में है, बहुत पता नहीं जो भी चीज़ है, लेकिन कहीं दूर तो सन है, मुझे यहाँ ऊपर नहीं दिखेगा विंटर में, लेकिन यहाँ तक तो है। ठंड बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, और ये काम करना भी नहीं चाहिए, गला बच जाएगा अभी। पर हाय ये नज़ारा, ये सुबह सुबह का नज़ारा, आज मैं टाइम छोड़ गई हूँ तो मैं मॉर्निंग एंजॉय कर पा रही हूँ क्रूज की अभी। गुड मॉर्निंग, चलो नहीं नहीं यहाँ से चलो, यहाँ से वो सीप अप वाला चलो, बहुत प्यारा है उधर पे, हाँ एकदम वहाँ पे आ जाओ। कैसा लग रहा है बस इस बार सब बाहर आ गए और हमें यहाँ पे सन दिख रहा है, तो अब इतना अच्छा लग रहा है ना। वो अभी चला गया पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे आ गया। वाओ यार, ये तो हमारे लिए बहुत ही ऐसा हो गया है कि सूरज देख रहे हैं, वो भी सनराइज देख रहे हैं, पूरा पूरा हमने क्या देखी यार, क्या ही देख लिया, गजब हो गया एकदम। क्योंकि यार नहीं निकलता है, उजाला नहीं होता है ढंग से फिनलैंड में, लेकिन स्वीडन में शायद धूप है, शायद नहीं है ही धूप, दिख तो रहे है। बस अब हमारे जाने का टाइम हो गया, और देखिए अब हमने एक बंदे को रखा है कि यहाँ पे देख ले सब सामान वामान सब, चलें चलो चलो वन। यार ये सिंगल कैबिन है तो दो लोगों के कैबिन है। ओह हाँ, ये नहीं पता था मुझे, दो लोगों का कैबिन, हाँ वही। तो फाइनली 18 घंटे की जर्नी के बाद हम जा रहे हैं स्वीडन, हम पहुंच चुके हैं, क्रूज़ ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया, हम काफ़ी लेट निकल रहे हैं, 10 बजे पहुंच गए थे, 10:30 बजे में हम रूम से निकल गए। चलते हैं देखते हैं बाहर का टेम्परेचर कैसा है एंड फिर बाकी चीज़ें हम स्वीडन में क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स सी देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। बाहर तेज़ धूप दिख रही है, स्वीडन में धूप निकली है, जलाई दे।
ये पनी में क्या रखा है? जैकेट का धूप देख के पागल हो गई। इंडिया से ना लेकिन यहाँ पे वही है कि धूप मिलना यार। आज फिनलैंड भी सनी होगा क्या? हाँ ये बहुत स्पीड वाली है भाई साहब, फ्रीज रखा है पूरा, बर्फ है बर्फ है, ठंड लगेगी। हाँ जैकेट तो पहननी पड़ेगी, हाथ में रख के लाए उसे। बाहर निकल गए हैं हम, यहाँ पे धूप निकली है जैसा कि आपने देख लिया और हम बहुत खुश हो गए हैं धूप देख के। ठंड है, -2 है, विच इज़ गुड, इट्स ओके। ओके एंड ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये क्रूज़ की जर्नी हमारी 18 घंटे की बहुत पसंद आई होगी। अब हम जाते हैं स्टॉकहोम, तो हम आए हैं स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, तो हम 2 दिन स्टॉकहोम में रहेंगे। हालांकि क्रिसमस है तो क्रिसमस में यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें बंद रहती हैं, तो काफ़ी कुछ बंद है, लेकिन ठीक है हमारा 4 दिन का हॉलीडे था। हम आगे देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं करेंगे, एंड जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो यार सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन एंजॉयिंग यू वॉचिंग, बाय बाय। और सब अपना रोमिंग ऑन करने में लगे, यहाँ से हमें क्या लेना है, तो बस नेटवर्क सेटिंग हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे। यू सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। तो यहाँ पे हो रही है सेटिंग सामान की, लेट्स गो टू होटल।